ऑल इंडिया गेम्स की तिथि हुई घोषित, आगामी 7 से 9 फरवरी तक होंगे आयोजित, गेम्स को लेकर तैयारियां शुरू। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू, पर्यटक स्थलों के होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग लगभग फुल, पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे। अब जल्द पूरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ साफ, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में चौड़ी हो सकेंगी सड़कें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे दें, काशी के बाद अब रामनगरी पहुंचेंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, आज अयोध्या में जुटेंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, रामलला के दर पर सियासी जमावड़ा आज लगने जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार दर्शन किया जाएगा, जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के सीएम रामलला के दर्शन भी करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचेंगे, उनके साथ बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री रहेंगे। 2019 में राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जेपी नड्डा पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन करेंगे। 11 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम की सूचना मिली है, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो पहले महादेव की नगरी में और अब राम नगरी में पहुंचा जाएगा, तमाम मुख्यमंत्री साथ रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 11 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे, दर्शन किए जाएंगे रामलला के। आपको बता दें इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वाराणसी में मौजूद थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी शासित राज्यों के साथ मीटिंग की, गुड गवर्नेंस पर मंत्र दिया गया और अब जानकारी मिल रही है कि राम नगरी पहुंचा जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ रहेंगे और उनके साथ बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे धीरेंद्र का। धीरेंद्र, पहले महादेव की नगरी पहुंचा जा गया है, उसके बाद अब राम नगरी पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम भी उनके साथ हैं, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दूसरा दौरा होगा, इसके कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अयोध्या का दौरा किया था, वहां पे रामलला के दर्शन भी किए थे और इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में अगुवाई में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं। इसका एक खास महत्व है, खास मतलब है और मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव है और दोनों राज्यों में बीजेपी किस दिशा में चलेगी, किस एजेंडे पर आगे चल के चुनाव लड़ेगी, यह अभी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने काशी में कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काशी मॉडल को अपनाए, उसी तरह से अयोध्या भी एक बड़ा मॉडल बीजेपी के लिए बन चुका है और आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की इस राजनीति को विपक्षी पार्टियां कितना समझती हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी राजस्थान में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो पूरी तरह से हिंदुत्व मॉडल पर ही मुनहसर करती है, आधारित है। तो इस तरह से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि काशी हो या अयोध्या हो, जो बीजेपी है उसका मुद्दा बहुसंख्यक हिंदुओं के मान सम्मान और उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का है, कम से कम उनके धार्मिक आस्थाओं के मामले में। तो आस्थाओं के रथ पे सवार होकर बीजेपी चुनाव में जा रही है और इसका पूरा असर आपको चुनावी संग्राम में सोनिका दिखाई देगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं, पहले केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया गया, उसके बाद महादेव की नगरी में, अब राम नगरी उनकी नगरी में पहुंचा जा रहा है, राम मंदिर के दर्शन किए जाएंगे, यानी आगे के एजेंडे भी सेट किए जा रहे हैं 2024, 2022 और उससे भी आगे के। बिल्कुल सोनिका, देखिए बीजेपी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में छाई तो सोमनाथ से विश्वनाथ यानी बनारस जहां से सांसद चुने गए और उसके बाद वहां से केदारनाथ
कि उनका खास फोकस रहता है, साल में एक दो बार प्रधानमंत्री जरूर केदारनाथ आते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व का जो एजेंडा है कितना महत्वपूर्ण है, और हिंदुत्व के एजेंडे पे कोई भी पार्टी आगे बढ़े तो बिना जो है राम के और बिना शिव के वो पूरा नहीं हो सकता उसका एजेंडा। तो आप समझ सकती है कि किस तरह से जो बीजेपी की राजनीति है वह हिंदुत्व के मुद्दे पे आगे बढ़ेगी, और अभी भी उनके एजेंडे में चूंकि मंदिर बन गया है वो मुद्दा लोग समझ रहे थे समाप्त हो गया है, लेकिन वो समाप्त नहीं हो गया है, उसे चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी भुनाएगी और उसका पूरा सियासी लाभ से मिलने की पूरी संभावना भी बन रही है। सोनिका, धीरेन्द्र बीते दिन बैठक भी हुई पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या मंत्र दिया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी को? सीएम पुष्कर सिंह धामी या जो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को जो मंत्र दिया गया वो तो बंद कमरे में दिया गया सोनिका, उसके बारे में किसी भी पार्टी नेतृत्व ने कुछ बताया नहीं हम लोगों को मीडिया को, लेकिन यह तय है कि जिस तरह से मोदी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काशी मॉडल को अपनाए, तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि चुनाव में हिंदुत्व एक बड़ा एजेंडा बनके उभरेगा, और बीजेपी का यह बहुत पुराना प्रयोग रहा है हिंदुत्व का, और उसी के रथ पे सवार होके उसी प्रयोग के सफलता के परिणाम स्वरूप आज और दूसरी बार केंद्र की सत्ता में प्रचंड बहुमत से है, राज्यों की सत्ताओं में भी वो पहुंची है, तो निश्चित रूप से उसी पुराने एजेंडे में एक बार फिर से पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अब अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे रुख करते हैं, एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, देवभूमि के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य धाम की नींव रखेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। देश के पहले CDS विपिन रावत के नाम पर नाम रखा जाएगा प्रवेश द्वार का, ये जानकारी इस वक्त बड़ी जानकारी। उत्तराखंड से सैन्य धाम में शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य धाम के लिए रास्ते का मामला भी सुलझ गया है, ये कहा गया है गणेश जोशी की तरफ से। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा, साथ ही साथ सैन्य धाम का नींव आज रखी जाएगी, शिलान्यास आज किया जाएगा, और उसके बाद फिर सैन्य धाम के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। ट्वीट भी सामने आया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, वो भी आपको बता देंगे उनकी तरफ से क्या ट्वीट किया गया है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं पूरे कार्यों पर, पूरे कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि शिलान्यास आज होना है और उसके बाद फिर सैन्य धाम का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्रीय नेतृत्व का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम। उत्तराखंड में अब तक 4 धाम थे और अब सैन्य धाम को 5वां धाम उत्तराखंड का बनाया जा रहा है। देहरादून के तकरीबन 204 शहीद परिजनों को सम्मानित किया जाना है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। धनराज, जानकारी मिल रही है कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, उत्तराखंड जो अब तक 4 धामों के नाम से जाना जाता था अब 5वां धाम भी जुड़ने जा रहा है, क्या जानकारी आपको मिल रही है, आज शिलान्यास कार्यक्रम है? जी सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में 4 धाम पहले से ही हैं, लेकिन एक 5वां धाम सैन्य धाम अब जोड़ा जा रहा है, जिसकी नींव रखने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में आ रहे हैं और देहरादून में वो इस सैन्य धाम की नींव रखेंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री मोदी कैबिनेट गणेश जोशी इसमें रहेंगे, तो देखने वाली बात तरीके से जो सैनिक है उनको किस तरीके से सम्मान मिल पाता है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर खास बात यह है कि जो सैन्य धाम बन रहा है वो सभी शहीदों के घर की मिट्टी लाकर इस सैन्य धाम को बनाया जा रहा है, और 204 करीबन ऐसे परिवार हैं जिनको सम्मान आज राजनाथ सिंह यहाँ पर देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि जो 5वां सैन्य धाम अब उत्तराखंड में बनने जा रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक सैन्य धाम इसको बताया जा रहा है, क्योंकि इसका जो नाम रखा जाएगा, हाल ही में फिलहाल ही जो शहीद हुए हैं विपिन रावत, उनके नाम पर इसका नाम रखने की बात यहाँ पर की जा रही है, और आज राजनाथ सिंह इसकी घोषणा भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो कितना अहम होने जा रहा है उत्तराखंड वासियों के लिए, खासकर अगर जिक्र किया जाए तो। धनराज जी, बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से 4 धाम एक अपने आप में बड़े ही खास उत्तराखंड के माने जाते हैं, तो वही 5वां धाम भी एक कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए खास होगा, क्योंकि जिस तरीके से शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान अब यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, और तमाम जो सैनिक परिवार हैं उनको सम्मान यहाँ पर मिलेगा, और जिस तरीके से सैनिक परिवारों के लिए सैन्य धाम बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि जो
सैन्य शहीद के परिवार हैं उनको अब एक सम्मान जरूर मिलेगा। और उनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो लगातार सैनिकों का सम्मान करने में जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम बात ये हो जाती है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी सोनिक का नजदीक है और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सैनिक वोट है वो सीधा सीधा बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। आज के कार्यक्रम का भी जिक्र करिएगा धनराज, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने जा रहा है आज? जी सोनिका, बिल्कुल आज का जो कार्यक्रम है 11 बजे राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच जाएंगे और साफ तौर पर 11:30 बजे उस नींव का उद्घाटन किया जाएगा और वहीं पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद होंगे और ये सैन्य धाम कहीं ना कहीं जो बन रहा है इसमें सैनिकों की जो सम्मान होना है उसका सम्मान राजनाथ सिंह यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे और साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि वही सैनिक सम्मान यहाँ पर करा रहे हैं और तमाम जो सैनिक परिवार हैं उनके घरों की मिट्टी लाकर उस सैन्य धाम में लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अहम दौरा ये राजनाथ सिंह का माना जा रहा है। चलिए धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी है आज की, उत्तराखंड जो 4 धामों से पहचाना जाता था अब उत्तराखंड 5 धामों से पहचाना जाएगा। सैन्य धाम बनाया जा रहा है, नींव आज रखी जा रही है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद रखेंगे, नींव रखेंगे और उसके बाद सैन्य धाम का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, 2019 में ही कहा गया था, ये सपना देखा गया था और जो पूरा होने जा रहा है। आगे रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पर्यावरण के कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक लगा रखी थी, लेकिन न्यायालय ने सीमांत सुरक्षा और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए परियोजना निर्माण पर लगाई गई रोक सशर्त हटा ली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 12,000 करोड़ रुपए की 889 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना की 53 कार्यों में से करीब 153 किलोमीटर लंबाई के 13 कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद थे। 8 नवंबर 2020 से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में परियोजनाओं के लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए पैरवी करा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक हट जाने के बाद अब ऑल वेदर परियोजना का अवशेष कार्य पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड परियोजना जिसका काम अब किया जाएगा। संचय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे संचित, ऑल वेदर रोड परियोजना का अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई थी वो भी हटा ली गई है, कितना फायदा इससे होगा खासकर सैनिकों का अगर जिक्र किया जाए तो? देखिए सोनिका, आपको बताना चाहूंगा जो ऑल वेदर रोड का काम था उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि आप देखेंगे तमाम तरीके की कैजुअलिटी उससे देखने के लिए मिल रही थी, तो उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे रोक हटा दी। और आप देखिए कि जो ऑल वेदर रोड है वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तमाम जो दूरस्थ क्षेत्रों की बात करें या दुर्गम क्षेत्रों की बात करें वहां पर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, उसी को लेकर के जो ऑल वेदर रोड का जो काम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में शुरू किया गया था। और आप देखिए कि जो ऑल वेदर रोड से जो कनेक्टिविटी की बात करें, जो पहाड़ों में कनेक्टिविटी नहीं रहती थी उसकी के लिए अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑल वेदर रोड से जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी उत्तराखंड के अंदर। और जो जो आप सैनिकों का जिक्र कर रहे हैं, सैनिकों को तो उससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देखिए उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के लिहाज से अगर टूरिस्ट उत्तराखंड में आते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो सड़क होती है, क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपको ट्रेवल करना है, कहीं भी आना जाना है, तो कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के जो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था अब वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 4 धाम यात्रा की अगर बात करें और चारों धाम की बात करें तो उत्तराखंड से बेहद ही नजदीकी लगाव प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखिए जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो इससे निश्चित रूप से जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों में तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो सरकार के राजस्व की बात करें उसमें भी बढ़ावा होगा। सोनिका, यानी पर्यटन के हिसाब से भी जो आप जानकारी दे रहे हैं संचित, फायदा होने जा रहा है लिहाज से देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए सोनिका मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और उत्तराखंड की अगर आर्थिकी की बात करें तो पर्यटन पे करीब करीब 70% की अगर बात करें तो पर्यटन पे निर्धारित है, क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर रोजगार की अगर बात करें तो आज तक जितनी भी सरकारें रही है उन्होंने कोई रोजगार का कुछ ऐसा
कोई काम नहीं कर पाए, जो पहाड़ों में रोजगार मिल पाए। और देखिए पलायन उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या, और देखिए जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं पलायन की अगर बात करें तो सरकारें पलायन पर घेरी जाती है और पलायन की बातें भी करती है, लेकिन आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने पलायन को लेकर के कोई ऐसा कदम उठाया। और तो आप देखिए कि जो टूरिज्म है वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, और देखिए उनका जीवन यापन जो सीजनल टूरिस्ट होते हैं, जो सीजनल टूरिज्म वहाँ पर डिपेंड करता है। आप देखिए कि औली की अगर बात करें वहाँ पर विंटर गेम्स होने वाले हैं, आप चार धाम की बात करें तो वहाँ पर देखिए जब कपाट खुलते हैं तो लोग आते हैं तो उसी से वो पूरे साल भर का अपना खर्चा एक तरीके से निकाल देते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि जो ऑलवेज रोड का काम अगर ये हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो टूरिस्ट प्लेस आने जाने लोगों का जो पर्यटक आएंगे उसे भी इजाफा देखने को मिलेगा। यानी संचित विधानसभा चुनाव आने से पहले ही ये काम होने लगा है, रोक हटा ली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा इसका? देखिए सोनिका, विधानसभा चुनाव से अगर इस बात को जोड़े तो मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, लेकिन अगर बात चुनाव की करें, देखिए बीजेपी हर मुद्दे पे फायदा लेने की सोचेगी, क्योंकि आप देखिए कि उनकी सरकार है, बीजेपी के सामने जो इस समय कड़ा मुकाबला वो ये है कि जो उनकी 57 सीट आई उनको 57 सीटें बचानी। और बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो आप देखिए कांग्रेस के सामने जो बड़ा लक्ष्य है उनको 11 से बहुमत तक जो सीटें लानी है वो उनका एक बड़ा लक्ष्य है। तो आप देखिए कि जो कार्य मोदी सरकार में किए गए या जो कार्य बीजेपी सरकार में किए गए तो उस कार्य को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो हमारा विकास का मॉडल है हम उस विकास के मॉडल को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और दोबारा उनसे मांग करेंगे कि हमको वोट देकर के दोबारा सत्ता बिठाए, जो कार्य अधूरे रह गए उसको पूरा करेंगे। लेकिन देखिए जनता के हाथ में और ये भविष्य जानता है कि सरकार उत्तराखंड में किसकी बनेगी, वादे और दावे तो सारी सरकारें करती हैं लेकिन जनता किसको मैंडेट देती है भविष्य में देखने वाली बात। चलिए संचित बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बीते दिन सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं लेकिन हादसे में बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार पौड़ी के थलीसेन से देहरादून लौटते वक्त उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनका स्टाफ भी था, घटना में मंत्री को मामूली चोटें आई हैं। उधर हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद उन्हें पाबो अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका चिकित्सीय उपचार चल रहा है फिलहाल। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से टेलीफोन पर बातचीत की, सड़क दुर्घटना के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है। बीते दिन उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हादसे का शिकार हो जाते हैं लेकिन बाल बाल बचते हैं। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी सामने आता है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, पौड़ी जनपद के थलीसेन में मेरे सहयोगी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली, देर शाम वाराणसी से लौटते ही मैंने दूरभाष पर डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात कर उनका कुशल क्षेम जाना, बाबा केदारनाथ की कृपा रही कि वह सुरक्षित है, उन्हें हल्की चोटें जरूर आई हैं लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है, तो फिलहाल सुरक्षित हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि हल्की चोटें उन्हें आई थी लेकिन फिलहाल वो सुरक्षित हैं और ठीक है, अस्पताल में है, फिलहाल उनका इलाज जारी है। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, बीते दिन डॉक्टर धन सिंह रावत दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं हालांकि बाल बाल बच गए हैं, फिलहाल क्या स्थिति उनकी बनी हुई है, जानकारी दीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत थलीसेन के दौरे पर थे जहां पर वो स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जो भी चीजें वहां पर लगाई गई थी उनका लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे, अल्ट्रासाउंड मशीन और कई जो अन्य अस्पतालों में जो नए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, उन सभी का उद्घाटन करने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत वो थलीसेन में पहुंचे थे। और इसके बाद लगभग शाम के समय राजधानी देहरादून लौटते हुए जिस तरह से पहाड़ों में घना कोहरा या फिर कहिए कि पाले की जो स्थिति है वो बचती है, उसके बाद उनका वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और कई घंटों तक ऐसा लगता रहा कि हो सकता है धन सिंह रावत को कहीं ना कहीं हानि हुई हो, जिस तरह से क्योंकि वाहन की जो क्षतिग्रस्त होने के बाद की जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी, लेकिन उसके बाद मंत्री कहीं ना कहीं सुरक्षित थे और मामूली चोटें उनको आई हैं जिसके बाद उन्हें तुरंत दूसरे वाहन से ले जाकर राजधानी देहरादून के निकट जो भी अस्पताल था उससे भर्ती कराया गया और जिसके बाद तमाम मुख्यमंत्री की तरफ से उनसे टेलीफोन पर बात की गई, उनका हालचाल जाना। और देखिए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते फिलहाल जिस तरह से उनका कद है भारतीय जनता पार्टी में, राजनीति में,
वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार मुख्यमंत्री की दौड़ में वो शामिल रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पर फिलहाल उनकी उनको कोई भी जो फिलहाल क्षति है वो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती। तो जाहिर तौर पर जो कहीं ना कहीं मुख्य प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरह से तमाम मंत्री के काफिले पहाड़ों से गुजरते हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा के तहत पहाड़ों में चलने की जो स्थिति है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर फिलहाल धन सिंह रावत की जो स्थिति है उसमें सुधार है और चंद दिनों के अंदर वो और भी बेहतर स्थिति में होंगे। अभिषेका, क्या अभी इस वक्त भी धन सिंह रावत अस्पताल में भर्ती हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मामूली चोटें आई हैं और कहीं पर जिस तरह से अभी क्योंकि ठंड की स्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि उसके बाद भी लगातार चुनावी दौर में उन्हें सम्मिलित होना है, तो जाहिर तौर पर अभी जो आराम है वो उनको डॉक्टर के द्वारा सलाह दी गई है और अभी अस्पताल में उनको रखा गया है। चलिए अभिषेका, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड में। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए नेताओं के बीच वादों और दावों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीते दिन यानी कल काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर रोजगार वाला दाव चला। केजरीवाल ने काशीपुर में कहा कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार देंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख नौकरियां दी हैं, जो दिल्ली में करके आया हूं वही वादे यहां कर रहा हूं। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी युवाओं को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यह ऐलान किया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से उत्तराखंड पहुंच के। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिसके बाद पत्नी को पति के आगे, बेटी को पिता के आगे और मां को बेटे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहा गया है सीएम केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ रुपए है और 11,000 करोड़ भ्रष्टाचार के जरिए नेताओं के जेब में चला जाता है और महिलाओं को 1,000 महीना देने के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ चाहिए थे। तो तमाम सरकारों पे भी निशाना साधा गया, इस दौरान सत्ता पक्ष पर निशाना साधा गया है सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में पहुंचे, लगातार रुख कर रहे हैं उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। चौथी गारंटी दी गई है और इस दौरान महिलाओं से सीधा संवाद किया गया और घोषणा की गई महिलाओं के लिए भी 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे उन्हें, और अगर उनकी सरकार बनती है तो रोजगार का वादा किया गया है युवाओं के साथ। रोजगार जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा युवाओं को। तो चुनावी हुंकार भर दी गई है काशीपुर पहुंच करके, उत्तराखंड पहुंच के। हालांकि देखना होगा 2022 में क्या कुछ परिणाम रहते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में एक्टिव मोड में है, तमाम वो रणनीतियां अपनाई जा रही हैं 2022 जीतने के लिए। तो उत्तराखंड पहुंचे, तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की गई, इस दौरान मंत्र भी दिया है कार्यकर्ताओं को। गारंटी देके जाता हूं, गारंटी मतलब कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गारंटी देते हैं कि हम ये वाला काम जरूर करेंगे। गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 70 साल में इन पार्टियों ने धोखे पे धोखा दिया। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं, चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते कुछ भी नहीं है चुनाव जीतने के बाद, शक्ल नहीं दिखाते उसके बाद, है कि नहीं है? चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते ये लोग, फिर दोबारा आते हैं अगली बार, फिर चांद और तारों की बात करते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।